आपका क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ राइट ट्रायंगल। तो दिस इज योर राइट एंगल। नाउ इसने देखो क्या दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी, तो वन साइड इज योर एंगल ए, अदर साइड इज योर एंगल बी, है ना? वो आपके एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से लेस देन ये हो गए। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, तो ये आपका सी हो गया। ठीक है ना? वी नो दैट, वी नो दैट कॉस, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस इट इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। अब यहां पर इसने दिया है कॉस ए, तो नाउ एंगल इज फ्रॉम ए, तो ए का एडजेसेंट इज दिस वन एंड हाइपोटेनस इज दिस। ठीक है ना? तो आपका क्या हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू, वी कैन से ए सी बाई ए बी। ना नेक्स्ट इज योर कॉस बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सी फ्रॉम बी ओनली, यहां से देखना है आपको। ठीक है ना? तो एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड इज दिस, दैट इज योर बी सी, बाई हाइपोटेनस इज योर ए बी। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दे आर इक्वल, दैट मीन्स दिस टू आर इक्वल, वी विल राइट दैट ओनली। आपका है ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या आ जाएगा, देखो बोथ साइड में ए बी इज देयर, तो आपका ये कट जाएगा पहले, तो नाउ यू विल गेट ए सी इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स ए सी इज दिस एंड बी सी इज दिस, तो बोथ द टू साइड्स आर इक्वल। नाउ इफ बोथ द टू साइड्स आर इक्वल, तो देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल कौन से है हमारे, एंगल बी एंड एंगल ए, तो वी कैन राइट इट एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूफ। ठीक है? तो इस तरह से आपको इसको करना है।